हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ, जो कि है यूरिन इन्फेक्शन। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो कि मेल फीमेल किसी को कभी भी हो सकती है। गर्मियों में अक्सर देखा गया है कि ये प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, और बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और इस प्रॉब्लम की वजह से कई बार हमें काफ़ी ज़्यादा पेन और इरिटेशन और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें झेलना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं सबसे पहले कि ये होने का रीज़न क्या होता है। अगर मैं बात करूँ यूटीआई की, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, जो कि कभी भी किसी को किसी भी एज में हो सकता है, इनफैक्ट बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगी कि इसके रीजन जो होता है वो होता है कि आप अगर अपनी साफ सफाई का ध्यान ना रखें, बहुत ज्यादा हाइजीन की तरफ कॉन्शियस ना हो, तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर कई लोग बाहर के पब्लिक टॉयलेट्स यूज करें और टॉयलेट साफ नहीं हो, तब ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होता है। तो इसलिए कभी भी बाहर के टॉयलेट्स यूज करें तो हाइजीन को जरूर ध्यान में रखकर करें। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं, अगर आप बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड लेते हैं अपने डाइट में, जो लोगों को बहुत ज्यादा तीखा चटपटा तेल का खाने की आदत होती है, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम होने की आशंका ज्यादा रहती है या फिर बार बार होती है। और जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनको भी ये प्रॉब्लम होने का खतरा रहता है। मोस्टली ये प्रॉब्लम इस रीज़न की वजह से मेल्स में ज़्यादा होता है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल का सेवन किया जाता है, बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं, पूरे दिन में बहुत ही कम पानी पीते हैं, या फिर उन्हें याद ही नहीं रहता पानी पीना, उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और इसी रीज़न की वजह से बच्चों में भी प्रॉब्लम हो सकती है, 3 से 4 साल के बच्चे को भी यूटीआई हो सकता है अगर वो पानी कम पीता हो तो, जिस वजह से हमें आगे चल के बहुत ज्यादा वीकनेस भी फील होती है। अगर कोई बहुत लंबी बीमारी के साथ रह चुका है, जिसको बहुत लंबी बीमार रहा है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर एक और रीजन जो कि देखा जाता है, जो फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, प्रेगनेंसी में भी ये यूटीआई होने की संभावना रहती है, क्योंकि बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे भी। एक और बहुत ही कॉमन सा रीजन है, जिन लोगों को डायबिटीज होती है, उनको यूरिन इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है या फिर बार बार होता है। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हमें यूटीआई या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। अब देखते हैं कि सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा रैशेज हो सकती हैं, इरिटेशन हो सकता है यूरिन पास आउट करने में या फिर प्राइवेट पार्ट्स में, और जिस वजह से बार बार यूरिन जाने में प्रॉब्लम भी होती है, और ज़रूरत से ज़्यादा यूरिन भी आता है। बहुत ज़्यादा बॉडी में वीकनेस हो सकती है, या फिर हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा स्मेली और डार्क यूरिन भी आता है, पैरों में बहुत दर्द हो रहता है, कमर में पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लग जाता है। और ये प्रॉब्लम जो है पीरियड्स के दौरान भी फीमेल को हो सकती है, या फिर लड़कियों को जिनको रिसेंटली पीरियड्स स्टार्ट हुए हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर उनको हाइजीन जो है वो ना बताया जाए, साफ सफाई का ध्यान वो ना रखें। तो चलिए अब उपाय जानते हैं। आपको करना क्या है कि 2 कलियां लहसुन की लेनी है, और इसको आपको बिल्कुल रॉ लहसुन को 2 कलियां खाली पेट सुबह पानी के साथ निगल लेना है। बहुत अच्छा इलाज है जिनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है। साथ में मैं बात करूं एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब के सिरके की, तो ये भी एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आपको 2 चम्मच सिरका लेना है, साथ में 1/2 चम्मच शहद मिलाना है, पानी के साथ घोलना है, खाली पेट ले लेना है। ऐसा आप 15 दिन तक कर सकते हैं। गर्मियों के सीजन में अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, तो आप छाछ का, दही का यूज़ ज़्यादा करें अपनी डाइट में, ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करें, जिससे कि आपकी जो बॉडी है वो ठंडी रहेगी, एसिडिटी कम बनेगी। आप पाइनएप्पल खा सकती हैं, पाइनएप्पल बहुत अच्छा रहता है खाना यूटीआई में। जिन लोगों को यूटीआई हो चुका है या फिर बार बार हो जाता है, तब आप पाइनएप्पल का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें, या फिर पाइनएप्पल का जूस भी आप ले सकती हैं। बच्चों में अगर ये प्रॉब्लम आपको लगता है कि उन्हें बार बार हो रही है, तब आप उनको पाइनएप्पल या पाइनएप्पल का जूस भी दे सकती हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको पिलाना चाहिए, जिन लोगों को भी यूटीआई का प्रॉब्लम रहता है उन लोगों को। और नारियल पानी
काफ़ी ठंडा रहता है हमारी बॉडी के लिए, काफ़ी अच्छे मिनरल्स होते हैं इसके अंदर जो कि यूरिन इन्फेक्शन को सीरियसली जड़ से ख़त्म कर सकता है। तो रेगुलर डेली अपने डाइट में 15 से 20 दिनों तक नारियल पानी पीना शुरू करें। हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान दें, फीमेल्स को स्पेशली अपनी हाइजीन का बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स। लड़कियों को सिखाना चाहिए जब उनके पीरियड्स स्टार्ट होते हैं कि हाइजीन कॉन्शियस उन्हें हमेशा रहना है और हमेशा साफ सुथरा रहना है। साथ में आपको चाय कॉफी का सेवन कम से कम करना है अगर आपको यूरिन इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा है या हो चुका है या बार बार हो जाता है। तो चाय कॉफी और चॉकलेट्स को आप थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि ये बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। साथ ही आप हमेशा, जैसे कि मैंने बताया, हाइजीन कॉन्शियस रहें, अपने प्राइवेट पार्ट्स को बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन रखें और यूरिन पास करने से पहले उस जगह को एटलीस्ट ज़रूर देख लें जहाँ पे भी आप पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ कर रहे हैं कि वो हमेशा नीट एंड क्लीन हो, साफ़ सुथरे हों। आपकी हाइजीन आपके हाथ में है और इन तरह के सारी चीज़ों को फॉलो करके आप अपने यूरिन इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, बार बार होने से रोक सकते हैं और अगर हो चुका है तो ठीक कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीजिए, पानी एक रामबाण उपाय है। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपका यूरिन जो है बिल्कुल साफ सुथरा आएगा और ज्यादा देर तक हमें अपने यूरिन को रोकना नहीं चाहिए। अगर जिन लोगों को ये आदत है बहुत देर तक वो टॉयलेट यूज नहीं करती हैं या यूरिन रोकते हैं तब भी ये प्रॉब्लम होती है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आज मैंने आपके साथ शेयर किया। इन सब चीजों को आप फॉलो करें, अगर आप फॉलो करती हैं तो बहुत ईजिली आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये आज का यूजफुल सा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, गर्मियों में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और किसी को भी हो सकता है। चलिए।